हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली 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 कली। चलो बॉस, हमें फाइनली छुट्टी मिली गई। अब दो दिनों तक ब्यूरो की शक्ल देखने की जरूरत नहीं है। किसी की बर्बादी हो रही है और हम जश्न मना रहे हैं। बेचारा अनिल मारा गया। किसी की शादी हो रही है तो वो मारा गया। और क्या भाई, शादी मतलब जेल आई टेल यू। ये बात तो है बस। बैचलर्स लाइफ इज बैचलर्स लाइफ इज अ बैचलर्स लाइफ। यस। ना 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 ना। ये क्या है भाई, ये कंपनी इस हालत में? लगता है सुनामी से निकल गया। देखे क्या रोकते हैं। थैंक गॉड आपने रोका। एक्चुअली हम काफी देर से ऐसे ही चले जा रहे हैं। हाँ सर, और कोई रुक भी नहीं रहा यहाँ पर। क्यों, आप कहाँ से चले आ रहे हैं, वो भी इस हालत? वो हमारी गाड़ी चोरी हो गई सर। क्या गाड़ी चोरी हो गई, कैसे? पता नहीं सर, कोई ले गया हमारी गाड़ी। सर हम उस पहाड़ के पीछे वाले वाटरफॉल में आए थे ओवरनाइट पिकनिक के लिए, और आज सुबह हम जब स्विमिंग के लिए गए तब सर किसी ने हमारी जीप चोरी कर ली। हाँ सर, उस जीप में हमारे बैग, हमारे कपड़े, सब कुछ थे। हाँ सर, वो लालटेन, पेट्रोमैक्स लाइट, सब सब, सब। अच्छा, हमारी सब चीजें लेके गए। सर आप हमारे लिए फेवर करेंगे? हाँ बोलिए। सर हम आगे लोनावला में ही रुके हुए हैं, आप हमें वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज? प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सिकुड़ के बैठना पड़ेगा, एडजस्ट कर लीजिए, बैठिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने हमारी इतनी मदद की। बस, इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम सर। वो तो अच्छा है कि हमारे कपड़े यहाँ हैं, वरना हमें इसी हालत में मुंबई जाना पड़ता। हाँ सर, और हमारा हॉलिडे भी बर्बाद हो गया। वैसे हम लोग भी हॉलिडे मनाने ही निकले हैं। अच्छा, क्या सर आप भी हॉलिडे मनाने निकले हैं, लेकिन कहाँ पर? हमारे दोस्त की बर्बादी में। क्या? हमारे एक दोस्त की शादी हो रही। शादी? अच्छा सर, हम लोग आपको थोड़ी और तकलीफ देना चाहेंगे। बोलो। सर वो क्या है ना, हमें पुलिस स्टेशन जाकर चोरी की रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी, तो आप थोड़ी देर रुक सकते हो? बस हम कपड़े बदल के आए, प्लीज सर। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर। हे गाइस, ये दरवाजे की चाबी किसके पास है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्रिश है ना अंदर। क्रिश? ये क्रिश तुम्हारे साथ पिकनिक पे नहीं गया था? क्रिश और पानी। क्यों, क्या हुआ, उसे पानी से एलर्जी है क्या? नहीं सर, उसे पानी से डर लगता है। यही कहीं आसपास घूमने गया होगा, फोन करके देखो ना उसे। अरे तू फोन कर। एक मिनट। Hey guys, आवाज तो बंगले के अंदर से ही आ रही है। हाँ। इसका मतलब क्रिश अंदर ही है। अगर वो अंदर है तो वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? हाँ, सेल भी नहीं उठा रहा है वो। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो देखे। चलो। चलो, हम भी देखते हैं। क्रिश, 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 क्या हो गया इसे? क्रिश, दरवाजा खोलो क्रिश। क्या हो गया इसे? क्रिश, क्रिश, क्रिश। एक मिनट। क्रिश, क्रिश, आप लोग जरा पीछे आइए, थोड़ा प्लीज, थोड़ा पीछे आइए। क्रिश, 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 कहाँ हो तुम? क्रिश, क्रिश, कैसे दरवाजा तोड़ के अंदर आ सकते हैं? क्रिश, कहाँ हो तुम? ये मेरे अंकल का घर है, अब मुझे वो घर कभी नहीं देंगे। क्रिश, ये लोग हमारी मदद कर रहे हैं, और यहाँ क्रिश की कोई खबर नहीं है। क्रिश, क्रिश, कहाँ तुम? क्रिश, 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 कहाँ तुम? क्रिश, Oh my God! हटिए, पीछे
प्लीज छोड़ छोड़। जल्दी अभिजीत संभाल के। क्रिश संभालो प्रिया अपने आप को। ये मर चुका है। क्या? देखिए, इस कमरे की किसी चीज को छूना नहीं और आप सभी लोग इस कमरे से बाहर जाइए और कोई भी घर छोड़ के नहीं जाएगा। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? 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 मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है ये लोग वाकई सीआईडी है। हमने सीआईडी वालों से लिफ्ट ली। दोनों दिखने में कितने सिंपल थे। हाँ? लग ही नहीं रहा था कि कॉप्स है। कहीं से तो आया यहाँ पे। कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। अभिजीत, तुम लोग तो हॉलीडे मनाने निकले थे, फंस गए क्या इसमें? सर, लगता है केस हमारा पीछा कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब फंस ही गए हो तो। घर में कोई और था? नहीं सर। और सर, कुछ लिखा हुआ भी नहीं मिला यहाँ कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तुम लोग कृष के दोस्त हो? जी सर। ये कृष्ण ने खुदकुशी क्यों कर ली? कोई प्रॉब्लम्स थे? नहीं सर, जहां तक हमें मालूम है ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बल्कि कृष तो हर वक्त हंसने वाला लड़का था। सर, रिसेंटली कृष को प्रमोशन भी मिली थी और दिसंबर में उसकी शादी भी थी। ओ, तो फिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया इसने? खुदकुशी कर ली? विवेक। हाँ सर। बॉडी को जल्दी से फोरेंसिक लैब भेज दो। ये देखिए सर, गर्दन को छोड़कर शरीर पर और कहीं भी कोई चोट का निशान नहीं। मतलब ये एक आत्महत्या है? जी सर। और मौत सर शायद रात के करीब 11:30 बजे के आसपास हुई है। एक बात बताइए डॉक्टर अलका, आपने इस आदमी के पैंट की जांच की है? जी हाँ। कुछ मिला? मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। जी, जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि जिस स्टूल पे खड़े होकर इस आदमी ने आत्महत्या की थी वो स्टूल गीला था। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में ये बात आई कि आत्महत्या करते समय शायद इस आदमी की पैंट गीली हो गई होगी और बाद में फैन से सूख गई। मैंने आपसे कहा ना सर, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर डॉक्टर, जवाब क्या है इसका? मुझे इसकी पैंट पे कुछ नहीं मिला है। मैंने पैंट के फाइबर्स का केमिकल एग्जामिनेशन करके देखा है, पैंट पर कुछ नहीं है। इसका मतलब पानी पैंट में से नहीं आया है? जी नहीं। तो फिर वो स्टूल गीला कैसे हुआ होगा? कमरे में पानी कहाँ से आया? क्योंकि पानी सिर्फ स्टूल के आसपास ही था और कहीं नहीं। हेलो, इसे भी प्रतिमानिया। व्हाट? एक और आत्महत्या? गले में फांसी लगा? ठीक है, हम लोग आते हैं। समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है आजकल के बच्चों को, जरा जरा सी बात पर आत्महत्या करने लगे। माय गॉड। फ्रेडरिक्स, विवेक, बॉडी को आराम से नीचे उतार और ठंडा वहीं पर रहने दे। मुस्कान। अभिजीत, ये तो एकदम वैसा ही है।
वही आत्महत्या, वही गीला स्टूल, वही पानी और चलता हुआ फैन। जैसे कृष मरा वैसे ही अमित भी मरा है। सर। हाँ। सर ये अमित की बहन है। देखो बेटा, ये बताओ ये सब हुआ कब? सर, मेरी मम्मी का बाईपास ऑपरेशन हुआ है, तो मैं रात को हॉस्पिटल में थी, और भैया घर पर अकेले थे, और जब सुबह मैं 9 बजे घर लौटी, तो भैया को इस तरह लटके हुए पाया। कोई टेंशन थी उन्हें? मम्मी की बाईपास सर्जरी की वजह से भैया बहुत परेशान थे, और सर्जरी भी अचानक से आ गई थी, इसलिए उनको दौड़ते भागते लोनावला से आना पड़ा। लोनावला? हाँ सर, भैया दोस्तों के साथ लोनावला गए थे। कौन कौन दोस्त है कुछ मालूम है आपको? हाँ, वो सनी, टीना, प्रिया, माधुरी, तरुण, कृष और विजय। जब कृष की मौत हुई तब यही लोग वहां थे? यस सर, दो दो आत्महत्याएं हुई हैं और दोनों में ही बहुत बड़ी गड़बड़ है सर। मेरा बच्चा। आंटी संभालिए अपने आप को। मेरा बच्चा। ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? सर मैंने इनके घरों में फोन किया तो पता चला कि ये सब यहाँ पर कृष की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने आए हैं। अब तो अमित के लिए भी प्रार्थना करनी पड़ेगी इन लोगों को। मुस्कान सर, इन सबको बाहर बुला। जी सर। सर आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं? सर कृष की मौत के बारे में कुछ पता चला है आपको? नहीं, कृष की मौत के बारे में हम कुछ और पूछना चाहते हैं। कल रात आप लोग कहाँ पे थे? रात को सर यहीं पे थे। हाँ सर, हम पूरी रात यहीं पे थे सब लोग। जी हाँ, कुछ हो गया? हाँ, एक और मौत हुई आपके ग्रुप में से किसी एक लड़के की। उसने भी आत्महत्या की है। What? किसने सर? अमित ने। अमित? ये कैसे हो सकता है? नहीं सर, ये सच नहीं है। This is not true. ये सर अभी 2 दिन पहले मेरी उससे बात हुई है। पर वो मरा कैसे? जैसे कृष की मौत हुई थी वैसे ही मरा है वो। उसने भी अपने आप को सीलिंग से लटका लिया। ये हो क्या रहा है? आपके ग्रुप में एक के बाद एक आत्महत्याएं हो रही हैं, समझिया? एक मौत आत्महत्या हो सकती है, पर दूसरी मौत वो भी आत्महत्या? दिस इज नॉट पॉसिबल, समझे? कुछ और बात है, क्या आपके ग्रुप की किसी से दुश्मनी है? नो सर। अगर दुश्मनी नहीं है तो फिर मौत कैसे हो रही? मेरे दिमाग में घंटी बज रही है। जो कोई ये काम कर रहा है वो इसी ग्रुप का कोई है, इनमें से ही कोई एक है। पर सर इनमें से कोई क्यों करेगा? क्या मालूम क्यों करेगा, लेकिन एक बात तुम लोगों ने नोटिस की है? क्या? कृष की मौत रात के 11:30 बजे के आसपास हुई है और अमित की मौत सुबह के 4 बजे, और जब ये दोनों मौतें हुई तब ये सब लोग एक साथ थे। पर सर सब एक साथ थे तो ये क्या कैसे होगा? फ्रेडी, ये अभिजीत सर इन चीजों को इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ फ्रेडी? कुछ नहीं सर, दिल में तूफान उठ रहे हैं, मगर होठों पे बात नहीं आ रही। क्यों, क्या लगा तुम्हारे होठों पर? ताला, मुझे बोलने से मना किया।
सर फ्रेडरिक्स की ज्ञान की बातें सबके समझ में नहीं आती सर। अच्छा, मैंने सिर्फ इतना कहा सर कि आत्महत्या करने से पहले वो दोनों लड़के स्टूल लेकर बाथरूम में गए, वहां पर उन्होंने स्टूल को गीला किया, फिर वापस आकर स्टूल पे खड़े होकर आत्महत्या कर ली। आप समझे सर आप क्यों मैंने इसे बोलने से मना किया? फ्रेडरिक्स, ये बाथरूम का ज्ञान तुम्हारे दिमाग में आया कहां से? सर दोनों स्टूल गीले हैं। अरे मरने से पहले कोई स्टूल गीला करने को जाएगा है? सीधा स्टूल पे चढ़ के आत्महत्या नहीं करेगा? और फिर कमरे में ये पेडेस्टल फैन क्यों थे जबकि ऊपर एक फैन लगा हुआ? शायद उन्हें गर्मी लग रही होगी। फ्रेडरिक्स आधे घंटे के लिए। ठीक है सर। सर आखिरी सवाल, ये दोनों स्टूल गीले कैसे? बताइए। मैं बताता हूं। मरने से पहले दोनों ने बात लिया कपड़ों के साथ, बाद में कपड़े सूख गए, फैन चल रहा था, स्टूल गीला रह गया, या फिर ऊपर वाले फैन से पानी टपक रहा था, समझे आप? देख, क्या देख रहे? सर मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दोनों आत्महत्याएं एक जैसे क्यों हैं। अब मैं बताता हूं कि ये दोनों आत्महत्याएं एक जैसी क्यों हैं, क्योंकि ये दोनों आत्महत्याएं आत्महत्याएं नहीं हैं, ये दोनों खून हैं, इन दोनों लोगों के खून किए गए हैं। प्रेडिक्ट, इस डमी की हाइट कितनी? सर एग्जैक्टली 6 फुट 1 इंच, एकदम क्रिश की हाइट के बराबर। क्रिश की हाइट के बराबर। अभिजीत, अब हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ये स्टूल गीला क्यों था। ओके सर। अच्छा, ये फैन यहीं पर था पहले से? सर फैन बिल्कुल यहीं पे था, मार्क किया हुआ है। गुड। और ये बाकी की सारी चीजें ऐसे के ऐसी हैं जैसे तुम लोगों ने देखे? ये सर सब कुछ वैसा है। गुड। क्रिश सीलिंग से लटक रहा था, ये स्टूल यहाँ पे पड़ा था और ये फैन यहाँ पे था, ऑन था। अभी फैन ऑन करो, देखते हैं फैन से क्या पता चलता है। कुछ नहीं हो रहा सर, सिर्फ हवा लग रही है। कहाँ पर? मेरे बॉडी पे। दिमाग पे हवा नहीं लग रही है? दिमाग पे। अभिजीत, तुम अभी स्टूल को इस डमी के नीचे रखो। अब देखते हैं ये हाइट। यस अभिजीत, अगर क्रिश स्टूल पे खड़े होके कूदा था तो उसके पैर इस स्टूल पर लगने चाहिए थे, बराबर है? मगर ऐसे नहीं हुआ है, समझे? विवेक सर, जरा देखो ये डिस्टेंस कितना है। यस सर। सर एग्जैक्टली 1 फीट का फर्क है इस डमी और स्टूल के बीच में। एक अजीब चक्कर है, बॉडी स्टूल से 1 फीट ऊपर। सर बॉडी छोटी कैसे हो गई? फ्रेडरिक, बॉडी छोटी नहीं हो सकती, ना ये स्टूल छोटा हो सकता है, कुछ समझे अभिजीत? यस, ये आत्महत्या नहीं है। हाँ, ये खून है सर। वही बात है सर, 1 फिट छोटा है। क्रिश की बॉडी का भी यही हाल था सर, स्टूल से 1 फिट ऊपर। पर ये हुआ कैसे? सर एक बात तो यह है कि इन दोनों पैरों और स्टूल के बीच में 1 फीट का फासला है, और दूसरा सर इन फैंस को देख के मेरा दिमाग घूमता जा रहा है, ये दोनों फैंस वहां पे कर क्या रहे जबकि वहां ऊपर फैन लगे हुए थे। हाँ, ये दोनों फैंस वहां कर क्या रहे थे? और ये स्टूल नीचे गिरे हुए थे सर, दोनों स्टूल नीचे से और साइड से गीले थे, इसका मतलब ये दोनों स्टूल पानी में गिरे हुए थे सर, और पानी गायब हो गया, फैन से सूख गया। हाँ सूख गया, मगर पानी वहां पे था जरूर। ये पानी वहां पे क्या कर रहा था सर? ये पानी वहां पे कर क्या रहा था? पानी पानी पानी, ये पानी वहां पे कर क्या रहा था? यस अभिजीत, पानी मिल गया। कैसा? पानी यहां पर था और वो दोनों पानी पर खड़े थे। मगर सर पानी के ऊपर कोई खड़ा कैसे रह सकता? फ्रेडरिक्स, वहां पर पानी जमा हुआ था, बर्फ था वहां पर, आइस आइस था।
मतलब दोनों आइस के ऊपर खड़े हुए थे? नहीं अभी जी, स्टूल आइस के ऊपर खड़ा था ऐसे, मतलब खूनी ने स्टूल को आइस के ऊपर रखा और जैसे ही बर्फ धीरे धीरे पिघल गई, स्टूल गिर गया और आदमी ऊपर लटकने लगा। अभिजीत, बर्फ को पिघलने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, उतनी देर में खूनी कहीं भी पहुंच सकता था। सर, खूनी वापस जाके अपने ग्रुप में मिल गया। पर सर, इन दोनों में से वहां से कोई भी भागा क्यों नहीं? क्यों नहीं? सर, एक तो इन दोनों के हाथ पैर बंधे हुए नहीं थे, तो इन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए कोई कोशिश तो की होगी। सर, हमने ग्रुप में सभी से बात की थी, आपस में किसी को किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई किसी से नफरत नहीं करता। खूनी उसी ग्रुप में से कोई है, बड़ी चालाकी से उसने प्लान बनाया और ये सब किया है। अभिजीत सर, हम आइस तक तो पहुंच गए हैं, अब यहीं से आगे बढ़ते हैं। पता करो अमित के घर के आसपास कोई आइस फैक्ट्री है क्या, और देखो किसने खरीदी थी बर्फ, किसने। कौन कौन लोग यहाँ पे बर्फ लेने आते हैं? बहुत तरह के लोग यहाँ से बर्फ ले जाते हैं। अच्छा, वैसे किस तरह के लोग हैं जो यहाँ बर्फ लेने आते हैं? जैसे फिश मार्केट वाले, पार्टी वाले, होटल वाले। अच्छा, घर में भी जाकर डिलीवरी करते हो? नहीं, घर में मुश्किल है। हाँ, वो लोग ट्रक, टेम्पो और कार लेकर आते हैं और यहाँ से बर्फ लेकर जाते हैं। जिन लोगों को 1 या 2 लादी की जरूरत होती है वो क्या करते हैं? 1 लादी 2 लादी वाले लोग। हाँ, ऐसे किसी आदमी को जानते हो जो यहाँ से बर्फ लेके गया हो? एक जवान सा लड़का। अच्छा, तुम जरा ये फोटो देखो, ध्यान से देखो, क्या इनमें से कोई है जो बर्फ लेके गया हो यहाँ से? अरे साहब, ये तो वही साहब है जो कल रात 1 लादी लेकर गया था। ये तो तरुण है। तरुण? ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है साहब। तो तरुण ने एक और लादी यहां से, मतलब एक और मर्डर, एक और खून। तरुण फोन नहीं उठा रहा है। हेलो विजय, सब इंस्पेक्टर मुस्कान है, आप लोग कहाँ हैं इस वक्त? जी, हम अमित के घर पे। क्या हुआ मैम? तरुण है वहाँ पर, उसे फोन दो। नहीं मैम, तरुण तो यहाँ पर नहीं है, आप उसके मोबाइल पे फोन कीजिए ना। देखो वो फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा, वैसे तरुण यहाँ पे आने वाला था पर पता नहीं अब तक क्यों नहीं आया। अच्छा, उसके घर का एड्रेस दो मुझे, कहाँ रहता है वो? दरवाजा नहीं खोलेगा वो। मुस्कान, अंदर तो कोई नहीं है। मुस्कान, विवेक, तुम लोग उधर जाओ, हम लोग ऊपर चलते हैं। माय गॉड, विवेक, मुस्कान। हाँ सर, यहाँ पर भी पानी है। बर्फ का पानी। सर, हाँ, इज नो मोर सर, खूनी अपना काम करके निकल गया, ये हमारा खूनी नहीं था। खूनी जो भी है
उसने तरुण को बर्फ खरीद कर लाने के लिए कहा। अपनी मौत का सामान खरीद कर ले आया तरुण। खूनी आजाद घूम रहा है और सारा इल्जाम तरुण पर आया है। आखिर चाहता क्या है ये खूनी? सर, तरुण की मौत सुबह के 8 बजे हुई है। 8 बजे? अब होगी ना गड़बड़। अगर इसके दोस्तों से पूछेंगे तो कहेंगे कि 8 बजे हम लोग अमित के घर पर थे। सर, एक बात और है। क्या? तीनों आदमियों के पेट से नींद की गोली का पाउडर मिला है। नींद की गोली? मतलब तीनों के तीनों नींद की गोली खाकर सो गए और इन्हें सोते सोते लटका दिया गया। दया, ये खूनी बहुत चालाक है। सनी, विजय, टीना, माधुरी और प्रिया, खूनी इनमें से ही कोई एक है। पर सर, किसी सोते हुए आदमी को लटकाना कोई आसान काम नहीं है सर। लगता है दो लोग होंगे, लेकिन इन्हें मालूम है कि सीआईडी वाले उनके पीछे पड़े, फिर भी खून पे खून किए जा रहे हैं। मुस्कान, देखो इस ग्रुप में से किसी का पुलिस रिकॉर्ड है क्या? जी सर। सर, उन लोगों का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मैंने उनके माता फादर को बुलाया। वो अमित की बहन रनिमा, ये कृष की माँ और वो तरुण के फादर। देखिए, 3 मर्डर्स हो चुके हैं और भी हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारी मदद की तो और होने वाले खून रुक सकते हैं। हमारा बेटा तो मर गया, अब हम क्या बोले? क्या आप लोग अपने बच्चों के बारे में कुछ ऐसी बात जानते हैं जिसकी वजह से ये खून हो रहे हैं? मतलब क्या आप जानते हैं उनकी आपस में कोई दुश्मनी थी या कोई अनबन थी? देखिए, खूनी उसी ग्रुप में से कोई है। उन बच्चों में से? हाँ, हो सकता है। सर, मुझे अमित भैया के बारे में एक बात याद आई है। आज से 5 साल पहले वो किसी मुसीबत में फंस गए थे। पुलिस उनको गिरफ्तार करने वाली थी कि तभी पापा बीच में आए और उन्होंने उसे बचा लिया था। ऐसे क्या मुसीबत? सर, उस समय मैं 15 साल की थी। ज्यादा कुछ तो मुझे याद नहीं है, और जब भी मैंने पापा से इस बारे में बात करने की कोशिश की, वो हमेशा इस बात को टाल देते थे। अरेस्ट करने वाले थे, मतलब पुलिस केस। रिनिमा, तुम क्या डेट बता सकती हो? तो हम लोग पुलिस रिकॉर्ड से चेक कर सकते हैं। सर, डेट तो मुझे याद नहीं है, पर हाँ, उसी समय हम मुंबई आए थे। मतलब तुम मुंबई से नहीं हो? नो सर, हम पहले इंदौर रहते थे। और आप कहाँ से? मुंबई से। और आप कहाँ से? अब झूठ बोलने से क्या फायदा? हमारा बेटा तो मर गया, अब आप किसके लिए झूठ बोले? हम सब इंदौर से, और ये भी। अच्छा, मतलब तीनों मरने वाले लड़के इंदौर से हैं, और मेरे ख्याल से अमित के साथ तरुण और कृष भी पुलिस के मामले में फंसे हुए थे, है ना? क्या प्रॉब्लम थी? क्या प्रॉब्लम थी? 5 साल पहले कृष, अमित और तरुण फर्स्ट ईयर कॉलेज में पढ़ रहे थे, फिर एक रात वो पार्टी करने चले गए। उस रात पार्टी में कुछ गलत हो गया, इसलिए उसको पुलिस को बुलवाना पड़ा। क्या क्या गलत हुआ हाँ? जिसकी वजह से पुलिस को बुलाना पड़ा? उस पार्टी में एक लड़की ने इन तीनों पर इल्जाम लगाया कि इन तीनों ने उसे ड्रग दी थी और उसकी इज्जत लूटने वाले थे। लेकिन बाद में वो लड़की गायब हो गई और केस खत्म हो गया। अच्छा, क्या नाम था उस लड़की का हा? क्या नाम था? अनु। सुना है कि पिछले साल वो लोग भी मुंबई आए हैं। वो लड़की यहाँ पर है मुंबई में? सर, ये अनु ही कहीं ये सब खून तो नहीं कर रही?
जी मैं इसी भी प्रद्युमन सीआईडी से हमें अनु से मिलना है। अनु से? जी। लेकिन आप अनु से क्यों मिलना चाहते हैं? हम अनु से कुछ पूछना चाहते हैं। अनु बिजी है, आप उसे अभी नहीं मिल सकते, अब फिर कभी आएगा प्लीज। देखिए हम अनु से अभी मिलना चाहते हैं। देखिए कोई बात है, आप उससे नहीं मिल सकते, अब फिर कभी आएगा। अच्छा फिर कब? तब तक तीन चार खून और हो जाएंगे, समझिए, बुलाइए उसे। खून? खून से अनु का क्या मतलब है? मतलब है, देखिए मैडम ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, प्लीज आप बताइए अनु कहाँ है। आइए, उधर अनु का बेडरूम है, वो अंदर ही है। मुस्कान, अनु को बाहर ले जाओ। आप? ये अनु के पिताजी हैं, सीआईडी। ये लीजिए सर, अनु। ये अनु कहाँ गई? हाँ? भाग गई तब जब मम्मी हमें रोक रही थी। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, अनु कहीं जा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अनु का दिमाग काम नहीं करता है। क्या हुआ, क्या है उसे? अब बचा ही क्या कुछ होने को? वो एक मनहूस रात थी। उस रात अनु अपने दोस्तों के साथ दिवाली पार्टी में गई थी। वहां उसको किसी ने नशीली दवा खिला दी और फिर न जाने उसके साथ उन्होंने क्या किया, और उस दिन से आज तक अनु कुछ नहीं बोली, और उसने अपनी जुबान बंद कर ली। आपने पुलिस में कंप्लेन नहीं की? की थी, लेकिन हमारी सुनता ही कौन। अनु ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, पर आयन वक्त पर हम लोगों ने उसे रोक लिया था। फिर ऐसी हालत में वो कहां जा सकती है? पता नहीं कहां गई होगी बेचारी। कोई बेचारी बेचारी नहीं है वो, तीन तीन खून में हाथ है उसका, समझिए आप। सर ये फोटोग्राफ नहीं देखिए, ये देखिए, अब तो यकीन हो गया। देखो और ये लड़का कौन है? ये अर्नव है, अनु का बॉयफ्रेंड। अर्नव? अभी इस फोटो को कंप्यूटर में डालो और इन सभी लड़के लड़कियों के चेहरों से मैच करके देखो। सर लड़कियों के चेहरों से भी? मतलब ग्रुप में जितने भी लोग हैं सबसे मैच करके देखो। देखो कहाँ छुपा है ये लड़का। चेहरे का बोन स्ट्रक्चर और फीचर्स तो वही रहेंगे, आंखें नाक और होंठ वो तो बदल नहीं सकते। हो सकता है प्लास्टिक सर्जरी करा ली। नहीं ये मैच नहीं हो रहा है, दूसरा देखो जाए। सर ये नहीं हो सकता, कुछ और देखो। सर ये तो हो ही नहीं सकता, मैं दूसरा देखता हूं। ये हो सकता है, देखो कौन है ये, क्या नाम है इसका? ये तो विजय, मतलब अर्नव विजय बन गया। से वादा किया था ना, मैंने वो वादा पूरा कर दिया, मैंने उन तीनों को मार दिया जिस जिस ने तुम्हारी ये हालत की है ना, मैंने मार दिया तीनों को, मार दिया, मार दिया। वो दिवाली थी अनु, जब उन तीनों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। आज इस दिवाली के पहले ही मैंने उन तीनों को मार दिया,
मार दिया मैंने। तुम फुलझड़ी जलाओगे? जला जला, बोलो बोलो ना, जला जला। देखो देखो फुलझड़ी, जल गई जल गई जल गई। ये देखो जल गई। हाथ में पकड़ो, हाथ में पकड़ो, पकड़ो पकड़ो और घुमा। दिवाली दिवाली दिवाली। इस फुलझड़ी में जितनी रोशनी है उतनी रोशनी मैं तुम्हारी जिंदगी में भर दूंगा। अच्छा है ना? हाँ पापा, ये देखो अच्छा है। वहाँ पे जाओ। हाँ संभल के। नहीं जाऊंगी। हाँ सुनो, ये अरनो का घर कहाँ है? ये वाला, ये अरनो का घर है। मुस्कान विवेक, जल्दी से अंदर जाके देखो, देखो अरनो कहाँ है। संभल के जाओ, जाओ। ये गाड़ी किसकी है? अरनो की। देख 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 देख, अरनो की गाड़ी। अभिजीत तो यही कहीं होना चाहिए। घर में नहीं है सर, लेकिन घर के पीछे एक दरवाजा है जो गार्डन की तरफ जाता है। वहीं से भागा होगा वो। चलो जल्दी, लेट्स गो। यहाँ पे तो कोई नहीं है। वाह, क्या हुआ? सर गरम है, इसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही छुटाया गया है। तो यही कहीं होना चाहिए, ढूंढो उसे जल्दी। अच्छा देखे, जल्दी आ जाओ। अनु सर, अनु यहाँ पर है। सर ये अभी तक ठीक नहीं हुई है, मतलब ये खून नहीं कर सकती। इसका मतलब है खून विजय नहीं किया, हमें उसे ढूंढना होगा। जल्दी ढूंढो उसे। उधर कोई है। कौन है? देखो जल्दी, विवेक जाओ जल्दी। उठाओ इसे। क्या हुआ अभिजीत? ना दिवाली का बॉम्ब था सर, और कुछ नहीं। सर अनु तुम ठीक तो हो ना? सर ये रहा बर्फ का बादशाह, फांसी का एक्सपर्ट। कुछ गलत नहीं किया मैंने, कुछ गलत नहीं किया मैंने। मैंने अपने अनु का बदला लिया। जो उन लोगों ने मेरे अनु के साथ किया ना, उसकी सजा दी है मैंने। नहीं विजय, नहीं। तुमने उन लोगों को सजा दी, लेकिन उसके साथ साथ तुमने अपने अनु को भी जिंदगी भर की सजा दी। अब अनु को जिंदगी भर तुमसे दूर रहना पड़ेगा। चलो विजय, चलो चलो विजय, चलो चलो विजय। मुस्कान अनु को घर ले चलो। सर अनु, सर For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.